अंकुश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अंकुश, आप जहां मौजूद हैं वहां क्या हालात हैं, साथ ही पूरे राज्य में किस तरह से इस आपदा से निपटा जा रहा है, अगर आप उस पर रोशनी डाल दें। जी, इस टाइम जो कंडीशंस हैं ये बिल्कुल बहुत ही टिपिकल और टफ कंडीशंस हैं। 3 दिन से मूसलाधार बारिश रोज यहाँ हो रही है, इस समय भारी बारिश चल रही है और इन 3 दिनों में जितनी बारिश हुई है इस कारण जितने भी यहाँ के संपर्क मार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, सभी जगह बहुत ज्यादा भूस्खलन है। हर 1 किलोमीटर पे कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं आपके पत्थर आ गए हैं, जिस कारण बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। और इतनी ज्यादा बारिश के कारण सिर्फ मंडी जिला में ही अभी 20 से 22 लोगों का जो है वो सर्च ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। तो अंकुश, यहां पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है अभी इन हालात में। जी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निश्चित तौर से बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एक इस समय जो है आपका जो दिल्ली से जो सप्लाईज आती हैं, चंडीगढ़ से दूध और दही इस तरह की सप्लाईज आती हैं, वो भी सब कट ऑफ हैं। और जो मुख्य मार्ग आपके मनाली जाने के हैं, मंडी से एक मेन नेशनल हाईवे है, उसमें तो भूस्खलन बहुत बुरी तरह है और उसे रिस्टोर करने में कम से कम 2 से 3 दिन, हैवी मशीनरी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन लगाता है 2 से 3 दिन उसे रिस्टोर करने में लगेंगे। उसके अतिरिक्त जो 2 अन्य संपर्क मार्ग हैं जिन्हें हम वाया कटौला और वाया चैलचौक कहते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा भूस्खलन है और इस समय मनाली और कुल्लू मनाली का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। और क्योंकि इतने लोग दबे हुए हैं, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, इस समय छोटे छोटे गांव हैं, एक जगह एक बुढ़िया और उसकी नातिन है वो दबे हुए हैं, एक जगह 8 लोगों के दबने की, द्रंग जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 8 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। नीरी है, वहां 2 लोगों के दबे होने की आशंका है। एंड कुछ जगह तो ऐसी है कि एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में भी वहां बहुत समय लग रहा है, रास्ते टूटे हुए हैं, कहीं भूस्खलन है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी तरफ से उन्होंने अलग अलग टीम्स बनाई है, सब जगह के लिए जो है वो जवान भेजे जा रहे हैं जो मदद करें, लेकिन फिर भी कंडीशंस बहुत टफ हैं यहाँ काम करने के लिए और राहत बचाव कार्य करने के लिए। 2 सवाल थे अंकुश, आप अगर उसका जवाब दे दें। पहला कि जो भी पहाड़ी राज्य होते हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसके लिए दूसरे राज्यों पर हम निर्भर रहते हैं, रास्तों के रुक जाने, अवरुद्ध हो जाने की वजह से आने वाले दिन कितनी मुश्किलों भरे हो सकते हैं लोगों के लिए। और दूसरा, जिसका जवाब अभी आपने दिया था कि कई जगह से खबरें आ रही हैं जहां लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन जब तक उन तक मदद पहुंचेगी शायद बचा पाने को कुछ ना रहे। निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं, अब कोई अगर किसी का मकान गिर जाता है और उसके नीचे दबा हुआ है तो बारिश के कारण जितना गीलापन और मकान का आप उस पर मलबा पड़ा होता है, ये निश्चित तौर पे उसका बचा होना के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जितने भी लोगों के लिए सर्च हो रही है, इसमें अगर आप देखें एक प्रैक्टिकल बात करें तो इनके बहुत कम बचे होने के चांसेस हैं। अब तो सिर्फ एक सर्च ऑपरेशन किया जाएगा एक तरह से, लेकिन फिर भी एक जिस तरह लोग फंसे हुए हैं और प्रशासन निकालने की कोशिश कर रहा है और इसमें काम भी चल रहा है। और जहां तक आपने बात की खाद्य आपूर्ति और चीजों की, तो देखिए आजकल हर जगह हर एक का, चाहे वो घर है चाहे मार्केट्स हैं, उनमें 1-2 दिन के लायक स्टॉक रहता ही है। और जो मंडी से चंडीगढ़ जो आपका एक मेन कनेक्टिविटी है, उस लाइन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जल भराव है। वो कल भी नीचे आ गया था तो ये कनेक्टिविटी थ्रू थी। आज क्योंकि बारिश नहीं रुकी, पिछली रात भी होती रही और अभी भी, तो वहां जो नेशनल हाईवे है उसमें पानी चढ़ा है, कुछ जगह पत्थर गिरे हैं। जैसे ही ये बंद होगा तो 1 से 2 दिन में ये कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी, उतने में कोई इतनी विकट स्थिति यहाँ पहाड़ों में नहीं खड़ी होगी। शुक्रिया अंकुश सूद, पूरे राज्य के क्या है हालात और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उससे निपट रहा है उस पर रोशनी डालें।